अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि गूगल शीट को एज ए डेटाबेस इस्तेमाल करके हम एक लॉगिन फॉर्म लॉगिन पेज कैसे बना सकते हैं। तो आपने सबसे पहले एक गूगल शीट को ओपन कर लेना, ठीक है। एंड देन आपने यहाँ पर उसके एक रो के अंदर आपने लिख देना है यूज़र नेम, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पर यूज़र नेम लिख देते हैं और दूसरी साइड पर आपने पासवर्ड लिखना है, ठीक है। एंड देन आपने यहाँ पर एक कोई भी आप बना सकते हैं, एक आईडी बना दें, ठीक है। आईडी बना के अब आपने एक्सटेंशंस के ऊपर क्लिक करना है, ऐप स्क्रिप्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही ये ऐप स्क्रिप्ट आपके पास ओपन हो जाती है तो आपने यहाँ पर इस कोड को डिलीट कर देना है। कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो ये कोड आपने यहाँ पर लगा देना है। कंट्रोल इसको सी करके इस गूगल शीट का जो यूआरएल है उसको आपने कॉपी कर लेना है सारे के सारे को, और यहाँ पर लाकर आपने उसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। एंड देन आपने ये वाला जो नेम है इसको कॉपी करना है, एंड देन आपने इसको यहाँ पर रिप्लेस कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप इसको रिप्लेस कर देंगे इसको आपने सेव के ऊपर क्लिक कर देना है, एंड देन आपने प्लस के ऊपर क्लिक करना है, एचटीएमएल के ऊपर क्लिक करना है और इंडेक्स की एक फाइल बना देनी है, ठीक है। एंड जैसे ही आप इंडेक्स की एक फाइल बना देंगे इस सबको आपने डिलीट कर देना है, एंड देन आपने एक एच टी एम एल का कोड यहाँ पर पेस्ट कर देना है, ठीक है। और ये जो है ना, यहाँ पर आप मैसेज कोई भी प्रिंट करवा सकते हैं, यूज़र नेम और पासवर्ड इज इनकोरेक्ट, ठीक है। तो ये हम यहाँ पर इसको प्रिंट करवा रहे हैं, और लॉगिन होने के बाद ये गूगल डॉट कॉम डोमेन के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाएगा। एंड देन आप उसके बाद ये इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, इसको आपने रिप्लेस करना है इस वाले लिंक से आपने इसको रिप्लेस कर देना है। एंड देन आपने इसको सेव कर देना है, एंड देन आपने इसको रन करना है, और ये कुछ टाइम लेगा, रिव्यू परमिशन मांगेगा, आप इसको परमिशन दे दीजिएगा। एंड एडवांस्ड के ऊपर क्लिक कीजिएगा, गो टू अनटाइटल्ड प्रोजेक्ट के ऊपर जाइएगा, एंड यहाँ पर आप इसको अलो कर दीजिएगा, ठीक है। तो जैसे ही आप इसको अलो कर देंगे तो यहाँ पर ये एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया है। अब आप डिप्लॉयमेंट के ऊपर जाइएगा, न्यू डिप्लॉयमेंट के ऊपर, एंड वेब ऐप के ऊपर जाइएगा, एंड देन आप यहाँ पर लॉग इन लिख दें अपनी आसानी के लिए, एनी वन कर दीजिएगा, एंड डिप्लॉय कर दें। जैसे ही आप इसे डिप्लॉय कर देंगे तो ये यूआरएल आपके पास आ जाएगा, डन कर दीजिएगा, एंड देन आप इसके ऊपर क्लिक करिएगा एंड इसको ओपन कीजिएगा। तो ये हमारे पास लॉगिन आ गया। अब हमने एक यूज़र बनाया था, QRTY क्वालिटी, पासवर्ड हमने उसको क्या रखा था, 1 से 8 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब जैसे ही हम इसके ऊपर लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारा उस पेज के ऊपर रीडायरेक्ट हो गया। अच्छा, अगर हम यहाँ पर पासवर्ड को गलत करते हैं देन वो हमें क्या कहता है, देन वो हमें यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट करवा देगा, यूज़र नेम और पासवर्ड इज़ इनकोरेक्ट, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था, नेक्स्ट वीडियो में कुछ मज़ीद अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।